ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼। ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହୁଛି ପାରଦ। ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡାରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର। ଜାଡ଼ରେ ଜମି ଯାଉଛି ଦେହ। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହୁଛି। ଉତ୍ତର ପଟୁ ବହୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ହେଉଛି। और मिनिमम टेम्परेचर जो है अभी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्रेंड ही रहेगा। अगला 3 दिन में ग्रेजुअली 3-4 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाएगा। बट नेक्स्ट 24 आवर्स में ज़्यादा राइज नहीं करेगा, बट 48 आवर्स तक भी ज़्यादा, बट 72 आवर्स में राइज करके फिर 3-4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मीन्स अभी मिनिमम जो है इससे और कम होने का चांसेस कम है, इसमें अभी राइजिंग टेंडेंसी रहेगा। बट अगला 2 दिन तक अभी मिनिमम टेम्परेचर स्वाभाविक से कम ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा राइजिंग नहीं, 2 दिन में ज़्यादा राइजिंग नहीं है, 3rd डे में थोड़ा सा ज़्यादा राइजिंग हो सकता है। तो कुल मिला करके जो है अगला 3 दिन में 3-4 डिग्री तो राइज कर जाएगा, फिर नॉर्मलाइज भी हो जाएगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, और उसका बाद फिर ज़्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। आहुरी 2 दिन प्रबल शीत पर धीरे धीरे कमिबो। 3 दिन ପରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ସେପରି 11 ଓ 12 ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। 11 କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ସେପରି 12 ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। और फॉग का जो कंडीशन है, अगला 24 आवर्स में फॉग का चांसेस कम है, बट हमारा 11th और 12th मॉर्निंग आवर्स में शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। जैसे 11th में कालाहांडी, कंधमाल, गंजाम, पुरी, खुर्दा, कटक, जगतसिंहपुर, हमारा 12th में कालाहांडी, कंधमाल, गंजाम, गजपति, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रपड़ा, जाजपुर, ढेंकनाल, अंगुल, केवनझर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और भुवनेश्वर सिटी में अभी कल टेम्परेचर हमारा 13 का आसपास रहेगा, फिर उसके बाद 14-15 तक राइज कर जाएगा। और अभी मेनली क्लियर स्काई रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में भी हमारा 11th-12th में शैलो टू मॉडरेट फॉग हो सकता है कुछ कुछ एरिया में। भुवनेश्वर शहर में मध्य प्रबल शीत अनुभूत हो। 2 दिन पर एठारे थंडा कमियो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।